गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी स्टडी को। तो बेटा, आज हम लोग फिर से व्याकरण में जो चैप्टर चल रहा था उसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो हम लोग चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं वही चैप्टर। ओके, सो एवरी स्टूडेंट विल ओपन योर पेज नंबर 36। ओके बेटा, देखिए अभी मैंने इससे पहले किया गया था, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द लिखने के लिए मैंने दिया था ना, कल कुछ ही बच्चों ने होमवर्क किया था। ये बहुत गलत बात है बेटा, जितने लोग होमवर्क को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, सारे बच्चे अपना होमवर्क ज़रूर कंप्लीट किया करें। ओके, अब सारे बच्चों की अब कॉपीज़ अच्छे से चेक की जाएगी बेटा। ओके, तो चलिए देखते हैं आज हम लोग को क्या पढ़ना है। आज पढ़ना है रंगीन शब्दों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों से खाली स्थान भरो। ओके, तो चलिए देखते हैं, वन सेकेंड। बेटा यहाँ पर देखिए, पहले वाले में है रहीम देर से पाठशाला पहुँचा क्योंकि वह सुबह देर की विलोम शब्द क्या होगी, जल्दी जल्दी नहीं उठता। ओके, दूसरा क्या होगा, टोकरी में रखे आम पके हुए हैं लेकिन अमरूद कच्चे हैं। ठीक, पके का विलोम शब्द क्या होगा, कच्चा। ओके बेटा, आप लोग को भी फिल करना है। ओके चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए फिर तीसरा क्या है, विजय बहादुर लड़का है परंतु उसका भाई क्या है, बहादुर का अपोजिट क्या होगा, कायर। ओके नेक्स्ट क्या होगा, फोर में सूरज पूर्व दिशा में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। उदय का अपोजिट वर्ड क्या होगा बेटा, अस्त। ओके नेक्स्ट देखिए क्या है, चंद्रमा एक है लेकिन तारे अनेक हैं। एक का विलोम शब्द क्या होगा, अनेक। ओके सारे बच्चों को फिल करना, यही इनका होमवर्क है। ओके नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है बेटा, उचित विलोम शब्द छांट कर उसके ऊपर गोला लगाओ। पहला विलोम शब्द क्या है, प्रशंसा, तो प्रशंसा का विलोम शब्द क्या होगा, निंदा। निंदा को हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया। ओके क्योंकि निंदा का विलोम शब्द तारीफ तो होगी नहीं, खुशी भी नहीं होगा, अपमान भी नहीं होगा, निंदा होगा उसका विलोम शब्द। कायर, कायर का विलोम शब्द क्या होगा बेटा, बहादुर ना, तो बहादुर पे हम लोग सर्कल कर लेंगे। उजाला, उजाला का विलोम शब्द क्या होगा, अंधेरा। प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, आकाश का विलोम शब्द होगा पाताल। और चतुर का विलोम शब्द, मूर्ख। ओके आप लोग भी ऐसे सर्कल कर लेना देख के। ठीक चलिए नेक्स्ट क्या है, चित्र देखो और उसके विलोम शब्द से मिलान करो। ठीक है, यहाँ पर बेटा कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके विलोम शब्द से उसको मिलान करना है। पहले ये देखो, यहाँ पर अंधेरी रात है ना, तो जब पूर्णिमा की रात होती है तो थोड़ा उजाला होता है ना, तो क्या होता है, ये पूर्णिमा से मिला देंगे। ये लड़का कहाँ जा रहा है, देखो सीढ़ी से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर चढ़ने का विलोम शब्द क्या होगा, उतरना। ये चाय कैसी है, बहुत गर्म है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठंडा। ये दोनों दोस्त हैं, देखो हाथ मिला रहे हैं, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, शत्रु, मित्र का शत्रु। ओके तो बच्चों यही आपका आज का होमवर्क है और आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बच्चों यही आपका आज का क्या है, होमवर्क है। ठीक है, इसको सारे बच्चे फिल कर लेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे, सबकी कॉपी भी चेक हो जाएगी। ओके बच्चों, आई होप आप सभी को समझ में आया हो। वॉच, इसको अच्छे से वॉच करिए और नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में अपनी बुक में इसको फिल करिएगा। ओके टेक केयर बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।